दुल्हन बनने को दिल चाहे कि पांचवें दिन के साथ मैं हूं काशी फ्रॉम काशीज किंगडम और मैं हूं इस वक्त अपने पारिक रोड आउटलेट पर। आप जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे काम देखते हैं, मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी, जितने भी शूट्स आप देखते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, टिकटॉक वगैरह, तो यही वो जगह है जहाँ से सारी जो है क्रिएटिविटी देख रहे होते हैं। और इसके अलावा मेरा लाहौर आउटलेट है, वहाँ की तमाम जो है वीडियोस होती हैं, शूट्स होते हैं। तो फाइनली आज की लुक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये खूबसूरत सा मायूं का ड्रेस देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत सा इस पर काम हुआ हुआ है और ड्रेस मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब मैं आ चुका हूँ काशीज ज्वेलरी के सेक्शन पे। और यहाँ पर एज़ यूजल बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली मैं क्रिएट कर रहा होता हूँ अपनी ही डिज़ाइनिंग और मेरे ख्याल में यही मेरी ज्वेलरी की खास बात है, जिसकी वजह से इंस्टेंटली बहुत लोगों को मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी, पसंद आने लगी और बहुत जल्दी मेरी जो ज्वेलरी है वो फेमस भी हो गई। आज की थीम जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेहंदी के लिए, मायूं के लिए वो ड्रेस बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और उसके साथ ज्वेलरी किस तरह की होनी चाहिए, तो इसलिए कुछ सेट्स मैंने अलग से निकलवा के रखे थे। लेकिन जो मेरे हाथ में सेट आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही परफेक्ट है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड हो जाता है तो मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है। और अब मैं आ चुका हूँ काशीज बैंगल्स की तरफ और यहाँ पर भी एज़ यूजल आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कस्टमाइज अपने हिसाब से, अपने ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से, अपनी ज्वेलरी के हिसाब से आप अपने सेट्स बनवा सकते हैं। सेट्स की खास बात यह है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो कड़े हैं ये बहुत खूबसूरत होते हैं और इसके साथ आप अपनी कोई सी भी बैंगल्स आप अटैच करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो शॉर्ट होती तो मैक्सिमम चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं और ये मैंने सेलेक्ट कर ली है, ज्वेलरी और बैंगल सेलेक्ट हो चुकी हैं और अब मैं जा रहा हूँ काशीज मेकअप कासल की तरफ। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली मेरी जो है काफ़ी 21 डिज़ाइन जो लैशेस के लॉन्च हुए और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस की लैशेस थी और अभी इस पे जो है 50% ऑफ चल रहा है जो कि अभी दो तीन दिन में ख़त्म हो जाएगा और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया और इसमें आई थिंक मोस्टली काफ़ी सारे स्टाइल्स जो हैं अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। जिन लोगों ने ओबियसली परचेज कर लिया वो लकी रहे। इनविजिबल लैशेस, लाइट लैशेस से लेकर ग्लैमरस लैशेस, फॉक्स नेक लैशेस, सिल्क हेयर लैशेस, ह्यूमन हेयर लैशेस, तमाम वैरायटी अवेलेबल हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि बॉटम आई लैशेस मेरे हाथ में हैं, ये अक्सर मैं अपने मेकअप में लगा रहा होता हूँ तो इसकी वजह से आँख बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लैशेस में इतनी डिज़ाइनिंग है, इतनी वेरिएशंस हैं जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर आपको इतनी डिज़ाइनिंग नहीं मिल सकती। सो फाइनली आज की पूरी वीडियो के लिए जो थीम है मेकअप मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हाइड्रेस पर लगा रहा हूँ, इसके बाद ग्लास स्किन ब्यूटी ऑयल लगा रहा हूँ, इसके बाद काशीज का चेरी रेड लिप पिगमेंट लगा रहा हूँ, आई शेडो प्राइमर और उसके बाद काशीज का परफेक्ट आईब्रो मेकर और उसके बाद काशीज ग्रेसिन ग्लैमरा का शेड स्नो वाइट से हाईलाइट कर रहा हूँ और उसके बाद काशीज की ड्रीम रोज आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहा हूँ और इससे बहुत ही खूबसूरत से शिमर कलर्स हैं, मैट कलर्स हैं। इसके बाद आई शेडो बेस और उसके बाद गैलेक्सी गार्डन का शेड 8 में और उसके बाद काशीज का जेट ब्लैक लिक्विड लाइनर और मस्कारा और उसके बाद काशीज की स्टेला लैशेस और आई लैशेज एडहेसिव मैंने अपना ब्लैक यूज़ किया। इसके बाद काशीज एवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन और इसके बाद आप